गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं गैंगस्टर वेगास। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, लास्ट वाले एपिसोड में मुझे वेरा ने फ़ोन करके बताया था कि फ्रैंक ने कुछ बंदे भेजे हैं मुझे मारने के लिए। तो मैं खुद ही गुस्से में आके उन लोग के पास चला गया उन लोगों से फाइट लेने के लिए। तो मैंने सबको जाके मार दिया। फिर दूसरे दिन मैं और कैरेन गए थे गुडमैन और फ्रैंक का जो बिज़नेस एक एरिया उन्होंने ख़रीदा है बिज़नेस करने के लिए। तो हमने उस जगह को पूरा तोड़ फोड़ के बम से उड़ा दिया। तो अभी मैं इस बीच में क्यों हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो ये देख सकते, ये बाइक है, तो ये ईमेन की नई बाइक है। तो इसको मैं ईमेन से लेके बहुत तेज़ भगा रहा था रोड में, तो तभी इसमें से धुआं निकल गया। तो मैं इधर इस बीच में लेके आया, क्योंकि इधर ये फूट भी सकती थी रास्ते में। तो मैं इधर बीच में लेके आया, तो इधर से मुझे कंट्रोल खोके मैंने इस बीच में अंदर घुसा दिया बाइक को, और ये अंदर ही घुस गया और ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने बहुत ट्राई करी है बट ये बाहर निकल ही नहीं रही है। तो मैं ईमेन तो अभी ईमेन उससे बहुत गुस्सा होने वाला है, क्योंकि उसका नया बाइक था और मैंने उसको बाइक को पूरा बर्बाद कर दिया। तो अभी मैं ये क्या करूँ, अभी यही सोच रहा हूँ। तो मैं तो ईमेन उससे इतना नाराज़ नहीं होगा, अपना बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये बाइक तो अभी मैं निकाल ही नहीं रहे, मैंने मास्क पहना हुआ है। तो आप भी जब घर से निकले आप भी मास्क पहनिए। तो मैं ईमेन को फ़ोन करके बता देता हूँ कि उसकी बाइक मैंने का हालत ये कर दिया है। तो मैं जल्दी उसको फ़ोन करके बता देता हूँ। और वो बाइक निकाल भी नहीं सकता, इतने अंदर घुस गया है और मिट्टी में घुसा हुआ है, निकाल नहीं सकता। तो ईमेन को मैं फ़ोन करके बता देता हूँ। A few moments later. तो ईमेन से मेरी बात हो चुकी है। तो ईमेन कह रहा है ये सब बात छोड़ो, ये बाइक तो आती जाती रहती है। तो ईमेन बोल रहा है कि उसे एक काम कराना है मेरे से। तो उसने मुझे काम दिया है। तो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी के लिए एक कार चुराई थी जो मुझे ईमेन ने बोला था। तो उस आदमी ने फिर से ईमेन को बोला है और एक काम दिया है। तो इस बार बहुत मुश्किल काम दिया है, वो करना बहुत मुश्किल है, बट ईमेन उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। तो ये काम मुझे करना ही होगा ईमेन के लिए और ईमेन को उसके लिए। तो ये काम है क्या, तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये यहाँ पर जो मिलिट्री बेस है, यहाँ पर एक बहुत पावरफुल हेलीकॉप्टर है। तो उसको हमें चुरा के लाना होगा आज, जो ईमेन जाके उसको देने वाला है। तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक कार चाहिए जिसको मुझे फुल्ली आर्मर करानी होगी, और मेरे लिए भी बहुत सारी आर्मर लेने होगा जिससे मैं वहाँ घुस सकूँ, क्योंकि मिलिट्री बेस घुसने बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जब भी मिलिट्री बेस में घुसेंगे आपको पूरा गोली की बरसात होगी आपके ऊपर। तो इसके लिए मुझे कार को आर्मर कराना होगा। तो इस कार को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये कार एसयूवी है, तो इस कार चलेगा आर्मर होने में। तो ये जो भी काम है ये सब ईमेन करके देने वाला है मुझे। फिर मुझे ईमेन के पास जाना है, तो वो जो भी काम है तो मुझे करके देने वाला है। तो फिर मैं जाऊँगा अपने मिशन के लिए। तो मैं जल्दी ईमेन के पास चला जाता हूँ। तो ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मिलिट्री बेस में घुसना बहुत आसान बात नहीं है। वहाँ पर कम से कम 10,000 सोल्जर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को फाइट नहीं लेने वाला। मैं जल्दी जाके सिर्फ वो जो हमें चुराना है उसको मैं चुरा के ले आऊँगा। तो मैं जल्दी ईवेंट के पास चलता हूँ। Twelve o'clock midnight. जैसा कि देख सकते हैं रात हो चुकी है।
तो इस कार को आर्मर करने में बहुत रात हो चुकी है, तो ये कार अभी फुल्ली आर्मर है, तो इसको भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको बढ़ाने में उसने बहुत हेल्प की है, जो ईमेन का दोस्त है, तो इसने बहुत हेल्प करी है, उसको बहुत समय लगा है, तो उसको भी कुछ पैसे दे दिए ईमेन ने। तो मैंने भी मेरे लिए एक आर्मर ख़रीद लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। तो उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो ईमेन ने मुझे एक गन दिया है मेरे सेफ्टी के लिए, जिससे कि मैं पुलिस से उन आर्मी से फाइट ले सकूँ। तो इस ये गन बहुत पावरफुल गन है, तो बिना समय वेस्ट करे जल्दी जल्दी चलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ। तो मैं मिलिट्री बेस को मार्क कर देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने मिलिट्री बेस को मार्क कर दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। और मिलिट्री बेस से मुझे लगता नहीं है मैं ला सकूँगा, बट मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिलने वाला है मुझे भी। तो वो इस हेलीकॉप्टर से क्या करने वाला है ये तो मुझे पता नहीं। तो छोड़ो, वो क्या करेगा उसमें कोई बात नहीं है, मुझे अपने पैसे से मतलब है, बहुत पैसा मिलने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ मिलिट्री बेस की तरफ। मुझे इधर से राइट लेना होगा, और टक्कर लग गई है, कुछ नहीं हुआ मेरे, क्योंकि ये फुल्ली आर्मर है। बट इसमें दो तीन मिसाइल, उन लोग के पास बहुत पावरफुल मिसाइल है, अगर ये उन लोग ने मार दिया बट तब हमारा कार फूट भी सकता है। तो इसका जिम्मा नहीं लिया जिसने इसको बनाया है, बट इसने इसे बहुत कोशिश से बनाया है। तो मैं पहले इन लोगों से देख लूँ इधर कौन कौन है। तो मैं इधर चढ़ने वाला हूँ, पहले इधर चढ़ जाता हूँ। तो इधर चढ़ने में मुझे थोड़ी मुश्किल होने वाली है। चढ़ नहीं रहा, तो मैं जल्दी जल्दी इधर चढ़ नहीं होगा। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, इस कार को इधर लगाना होगा जिससे कि मैं इधर चढ़ सकता हूँ, और मैं पूरा इधर से एक व्यू पॉइंट ले सकता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं चढ़ गया हूँ। अभी मैं अपना स्नाइपर निकाल लेता हूँ और देखता हूँ इधर की तरफ। तो ऐसे में मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 4x है, मुझे 8x बस 6x लाना चाहिए, 16x लाना चाहिए था, पर इधर से कोई भी बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर हेलीकॉप्टर है ये या नहीं, ये वो भी देखना होगा मुझे। तो मुझे जाके ढूंढना होगा वो सब चीज़। तो मैं पहले इधर देख सकते हैं, सुबह भी होने वाली है अभी। तो मैं जल्दी जल्दी कार को घुसा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं मिलिट्री वाले, इतने मिलिट्री सुबह हो चुके हैं और ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे। और ये देख सकते हैं चॉपर मुझे मिल गया है, तो मैं जल्दी जल्दी इसमें जाके खुद बैठ जाता हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। जल्दी जल्दी बैठ जा। तो देख सकते हैं मैंने ये चुरा लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी इधर इसको छुपाना होगा किधर जाके। तो मैं डिजर्ट के साइड में चलता हूँ। देख सकते हैं पीछे पुलिस पूरी लगी हुई है, और नीचे भी बहुत सारे पुलिस है, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको चुराने के लिए मुझे बहुत साल की सजा होने वाली है अगर मैं पकड़ा गया। तो मुझे जल्दी जल्दी इसको छुपाना होगा कहाँ जाके। A few moments later. देख सकते हैं बहुत कोशिशों के बाद पुलिस हट गई है अभी। तो मैं जल्दी जल्दी इसको जाके इस जगह पे छुपाना होगा। तो ईमेन ने मुझे एक जगह इसको छुपाने के लिए बोला था, तो उधर ही जाके मैं इसको छुपाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं हेलीकॉप्टर को इसको एयरपोर्ट जाके नहीं छुपा सकता, क्योंकि इधर पुलिस बहुत होने वाली है। तो मुझे इसको दूसरी जगह पे जाके छुपाना होगा। तो इसको मेरे घर के पीछे ही छुपाना होगा, जैसा कि देख सकते हैं इधर एक जगह खाली है, तो इसको ईमेन आके ले जाएगा।
तो देख सकते हैं इसको मैं छुपा दिया है। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि कल पूरे रात को मैंने कुछ भी नहीं, रेस भी नहीं किया, तो मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। 3 hours late. तो पूरे 3 घंटे सोने के बाद मैं उठ चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं इधर ये जो मैं हेलीकॉप्टर रखा था वो अभी नहीं है क्योंकि मैंने उसको लेके चला गया है, तो उसने मुझे बोल दिया था। तो मैं अभी अभी मुझे वेरा का कॉल आया था, उसने मुझे मिलने के लिए जाने के लिए बुलाया। वो देख सकते हैं वही वो गाड़ी है जिसकी मैं नाम बोल रहा था, इसकी कार का नाम है गैलोपिनो। तो मैं जल्दी एक मुझे ऐसी और एक कार मिल जाए तो मैं वेरा के पास जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। तो मैं थोड़ा रुकता हूँ इधर, इस कार का वेट करते हैं। तो ईमेन गया है उस हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने, वो बंदा जहाँ रहता है। देख सकते हैं वो कार आ रही है गैलोपिनो, और जा जा जा, देख सकते हैं मिल गया हमें आज ये वाली कार। मत जा। तो ये उससे भी खतरनाक लग रही है। देख सकते हैं मेरे रोड में कितने अमीर लोग रहते हैं, तो इधर से बहुत आदमी जाते ही रहते हैं गैलोपिनो के साथ। तो मुझे भी एक चाहिए जो मुझे मिल नहीं रही है। तो स्कूटर ही रुक जा ये आदमी। तो ये देख सकते हैं ये तो मैं लेके ही रहूँगा रे। तो येलो वाली ही मुझे मिली है, ये किसी बिजनेसमैन की लग रही है। उस बिजनेसमैन को मैं देख के पहुँच सकता हूँ जल्दी जल्दी, और मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ वेरा के पास। मैं बहुत फास्ट भगाने वाला हूँ, देख रही है कि फास्ट जो भगाता हूँ अभी। मैं बहुत फास्ट है तो जल्दी चलते हैं वेरा के पास। जैसा कि देख सकते हैं मैं वेरा के पास आ गया, तो इससे बात कर लेते हैं क्या बात है। तो मेरी वेरा से बात हो चुकी है। तो वेरा बोल रही है तो फ्रैंक के आदमी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चोरी किया है जिससे कि उन्होंने उनको बहुत पैसे मिला है, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा बैंक लूट दिया है। तो वो पैसा उन्होंने छुपा के रखा है कहाँ पर। तो वेरा उस पैसे को लाना चाहती है, अपने पास लाना चाहती है। तो जिसने उसको चोरी किया था उसमें एक बंदा शामिल था जिसका नाम बेरी है। तो वेरा की ऑफिस में एक लड़की है जो उसका बॉयफ्रेंड है वो, तो वो आज मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो उसको जो वो लड़की है उसको एक ऑडियो ट्रांसमीटर है उसके पास, जिसके पास जिसका सब बात हम मुझे सुनाई देने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है काम क्योंकि बहुत पैसे है उसके पास। तो जब और तिजोरी का हमको जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तब हम उस लड़के को मार देंगे। तो देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूं। तो यही वो लड़की है और बेरी का नाम है। तो ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो हमें इनका पीछा करना होगा। तो हमें थोड़ा दूर दूर रहने के डिस्टेंस से इन लोगों का पीछा करना होगा क्योंकि इन लोगों को पता चल सकता है कि मतलब उस लड़के से लड़के को पता चल सकता है कि मैं कोई उसका पीछा कर रहा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा दूर से उसका पीछा करना होगा। तो ये लोग कुछ बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। तो लड़की उसको बता रही है कुछ बात करने करके, तो लड़की सब बात मुझे सुनाई दे रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना फास्ट कार में इतनी धीरे धीरे चला रहा हूँ। तो ये लड़का इसको पैसा दिखाने वाला है अभी। ये लोग कुछ बात कर रहे हैं तो इनकी बात सुनते हैं। तो मुझे ऊपर जाना होगा अभी, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं।
इस लड़की को वो कोड बता रही है लॉकर का। तो मैं ये चेहरा को बता दूंगा अभी और सब को खत्म कर दूंगा इन लोगों को, और ये लड़की भाग जाएगी। तो ये कितना ट्रस्ट करता है इस लड़की पे, और ये लड़की इसको धोखा दे दिया। तो अभी इसका इसको सबको मारने का समय आ चुका है। तो एक बंदा इधर से आ रहा है। तो इधर रुके हुए छुपे हुए हैं ये बंदे, तो इन सबको मारने वाला हूँ। और भी बंदे हैं इधर, तो ये लोग मुझे पिस्तल से मार रहे हैं। मैं थोड़ा छूट लेता हूँ। एक भी गोली इसमें नहीं लग रही है, तो क्या ये भी क्या। तो मैं वेरा को नंबर दे देता हूँ सिक्योरिटी की का। 240 कोड 6887 यू हैव एन आवर। आई विल सेंड ई राइट नाउ। हाउ इज लूसी? सेफ एंड साउंड। तो मैंने वेरा को उसका सिक्योरिटी की और कोड सब कुछ दे दिया। और वेरा ने पूछा था वो लड़की कैसी है, तो मैंने बोल दिया सेफ है वो। तो इधर क्या हो रहा है, तो मैं इधर से निकल लेता हूँ अभी। तो इसके इधर कोई मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इधर बहुत फायरिंग हो गई है। तो इधर से जल्दी जल्दी निकलना होगा, जल्दी जल्दी इधर से निकल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा गेम प्ले अच्छा लगा इसको जाके लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टेक केयर, गुड बाय।